Hello friends, how are you? As you know that your project in definite tense is going on, I am going to tell you some more sentences of this tense. Is that clear to you? You have to understand the sentences and then write them in your fair or rough copy and send the work in group. Okay? Now see the sentences. First sentence is श्याम के पिता इस लड़के के घर से आते हैं। श्याम के पिता किस लड़के के घर से आते हैं? तो दिस इज योर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन श्याम के पिता किस लड़के के घर से आते हैं, तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? फ्रॉम विच वॉइस ऑन Does from which voice on does Syam's father come? देखो बेटा इधर श्याम के पिता मतलब श्याम्स फादर किस लड़के के घर से अभी से आ गया। माइंड इट, जब से लग गया किस घर से, बच्चे मतलब फ्रॉम किस और उसकी स्पेलिंग वो विच मतलब किस लड़के मतलब कौन से लड़के के घर से। तो फ्रॉम विच बॉयज होम डस श्याम्स फादर कम, किस लड़के के घर से श्याम के पिता आते हैं। तो यहाँ पर यू हैव टू फोकस हियर, या किस लड़के के घर से। और वैसे अगर ये इससे वाली बात नहीं होती तो कौन सा लड़का तुम्हें पसंद करता है, तो विच बॉय लाइक्स यू, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या, किस लड़के के घर से, फ्रॉम विच बॉयज होम डस श्याम्स फादर कम। तो इसको ठीक से समझ लेना, अगर कोई चीज प्रॉब्लम है तो ग्रुप में पर्सनली उस मैटर को लिख के भेजो जिससे कि हम समझे। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज, दिस इज योर सेंटेंस सेकेंड, आरती की एक सहेली, आरती की एक सहेली कहाँ पर रहती है? आरती की एक सहेली कहाँ पर रहती है? अब यहाँ पे बड़े बड़े बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कहेंगे कि वन फ्रेंड ऑफ आरती, लेकिन ये गलत है। आप क्या करना कि आरती की एक सहेली कहाँ पर रहती है, तो सबसे पहले कहाँ आ गया, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, सबसे पहले इसको नोट करें कहाँ पर, फिर हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डस आ जाएगा। वेयर डस आरती की एक सहेली कहाँ पर रहती है? वेयर डस वन ऑफ द फ्रेंड्स, माइंड इट, वेयर डस वन ऑफ द फ्रेंड्स, वेयर डज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ आरती लिव? वेयर डज वन ऑफ द फ्रेंड्स ऑफ आरती लिव? आरती की एक सहेली कहां पर रहती है या कहां रहती है? पांच होने वाला अभी याद आवा। तो देखिए इधर आरती एक सहेली कहां पर रहती है, तो जब भी इस तरीके से आ जाए कि मेरा एक दोस्त, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे एक चाचा दिल्ली में काम करते हैं, अगर कोई इसका ट्रांसलेशन पूछे मेरे चाचा दिल्ली में काम करते हैं, तो वन ऑफ माई अंकल्स वर्क्स इन दिल्ली, मेरे एक चाचा आर्मी में, वन ऑफ माई अंकल्स USCIS, वन ऑफ माई अंकल्स इज इन आर्मी। तो जब भी इस तरीके से बात हो तो वन ऑफ का यूज करते हैं। तो आई थिंक
तुम लोग सब समझ गए होगे, सेंटेंसेस को कीजिए और ग्रुप में वर्क सेंड करें। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।